फैसल साहब, अब कंपैरिजन थोड़ा कर लेते हैं पाकिस्तानी कप्तान और इंडियन कप्तान का। कहां पे रेट करते हैं आप पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को, दूसरी जाने विराट कोहली को? बराबर का जोड़ तो है ना। देखिए, इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर, इनके टेक्निक्स के ऊपर सारी दुनिया बात कर रही है और सभी ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की टेक्निक ज्यादा बेहतर है और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। वो ना उनका उनकी जो विनिंग कैपेसिटी है मैचेस की, वो बेहतर है। और दूसरा ये कि बाबर प्रेशर नहीं लेते ग्राउंड के अंदर, उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता जो हम देखते रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार कोहली के ऊपर प्रेशर होता है। तो दो तीन चीजें ही देखी जाती हैं। अब मेरे हिसाब से आज के मैच पे भी बाबर आजम पे प्रेशर तो होगा, जाहिर है पाक इंडिया मैच है, लेकिन जितना प्रेशर उनके मुखालिफ है उतना प्रेशर नहीं होगा। तो अच्छा, दूसरा ये कि जो टीम, जाहिर है कि अब वो रमीज राजा अब उस तरह के चेयरमैन पीसीबी नहीं है जैसे पहले होते थे। जो स्टेटमेंट रमीज राजा के हैं वो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट्स किए हैं, उनसे मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद सपोर्ट की, वो ज़बरदस्त जो है वो रोल प्ले करेगी। तो ये जो मोराल डेवलपमेंट वाला साइकिल है ना, उसके अंदर हुकूमत का, ज़ाहिर इमरान खान का स्टेटमेंट, उनकी मुलाकात बहुत ज़्यादा असर करेगी। आज वो उमरा कर रहे हैं और उमरा करते हुए भी उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान टीम जीतेगी। उमरा करने के बाद उन्होंने दुआ मांगी है कि पाकिस्तान टीम जीतेगी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वैसे तो प्लेयर्स को मना किया जाता है कि सोशल मीडिया के करीब ना रहो, नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव खबरें वहां तक पहुंचाई जाती हैं। तो अगर टोटल इन्वायरमेंट देखें दोनों कैप्टन्स का, तो उनके जहनों में चल क्या रहा होगा? तो बाबर आजम के पास जो चीजें चल रही होंगी वो विनिंग और पीछे बैकअप और फुल सपोर्ट। और कोहली के पीछे क्या चल रहा होगा? जो इंडिया के अंदर गड़बड़ हो रही है, जो उनके मीडिया शोर मचा रहा है, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी शोर मचा रही है, जो स्पॉन्सर शोर मचा रहे हैं। तो दोनों के माइंडसेट और टेक्निक्स, मेरा ख्याल है बाबर आजम जो है उनका अपर हैंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।